एक आदमी था, बहुत ही दीन और फटेहाल। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसे हैरान देखकर किसी दूसरे आदमी ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? वह बोला, बात यह है कि मैं बहुत ही गरीब हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? दूसरे ने अचरज से कहा, तुम सच नहीं बोल रहे हो। पहले की बेबसी और गहरी हो गई। बोला, मैं आपसे सच कहता हूं। बिना बात किसको हैरान होना अच्छा लगता है? ठीक, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास दो कान हैं, एक कान काट कर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1,000 रुपया दे दूंगा। बोलो, तैयार हो? नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। अच्छा, तो अपनी दो आंखों में से एक आंख दे दो और यह लो 5,000 रुपये। जी नहीं, मैं आंख भी नहीं दे सकता। तो लाओ, एक हाथ दे दो और यह लो 10,000 रुपये। जी नहीं, यह भी नहीं होने का। इसके माने यह हुए कि तुम्हारे पास 1 × 2 अर्थात 2,000 से ज्यादा के कान हैं, 5 × 10 10,000 से ज्यादा की आंखें हैं और 10 × 20 20,000 से ज्यादा के हाथ हैं। मैं और चीजों को छोड़े देता हूँ, सिर्फ कान, आंख और हाथ ही तुम्हारे दो 10 और 20 यानी 32,000 से ज्यादा के हो गए। तो बताओ, पूरा शरीर कितने का होगा? दूसरे ने कहा, भैया तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए दो कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए दो आंखें हो और अच्छे अच्छे काम करने के लिए दो हाथ हो, उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? एक दिन कुछ शरारती लड़के उसके यहाँ पहुँचे। वे उसकी परीक्षा लेकर देखना चाहते थे कि उसे कैसे गुस्सा नहीं आता। उनमें से एक बहुत धनी आदमी का लड़का था। उसे अपने पैसे का घमंड था। उन लड़कों को देखते ही जुलाहे ने बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, तुम लोगों को क्या चाहिए? सामने रखी साड़ियों में से एक की ओर इशारा करके एक लड़के ने कहा, मुझे वह साड़ी चाहिए। उसका क्या लोगे? जुलाहे ने कहा, 2 रुपये। उस लड़के ने वह साड़ी हाथ में ले ली और उसके 2 टुकड़े कर डाले। बोला, मुझे पूरी नहीं, आधी चाहिए। इसका क्या लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। नौजवान ने उस आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े करके पूछा, इसका क्या दाम होगा? 8 आना, जुलाहे ने बिना किसी प्रकार की नाराजी के कहा। युवक तो उसको चिढ़ाना चाहता था। वह साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े करता गया, पर उस जुलाहे ने न उसको रोका, न डांटा, न माथे पर शिकन तक आने दी। जब साड़ी के बहुत से टुकड़े हो गए तो हंसकर लड़का बोला, टुकड़े मेरे किस काम के, मैं इन्हें नहीं खरीदूंगा। जुलाहे ने बिना किसी तेजी के कहा, तुम ठीक कहते हो बेटे, टुकड़े अब तुम्हारे क्या किसी के भी काम नहीं आ सकते। युवक को उसकी इस बात पर कुछ शर्म आई। उसने कहा, यह लो, मैं तुम्हें पूरी साड़ी का दाम दिए देता हूँ। जुलाहे ने रुपए नहीं लिए। बोला, मैं इन टुकड़ों को जोड़कर काम में ले आऊंगा। जब ये तुम्हारे काम नहीं आ सकते तो मैं इनका दाम कैसे ले सकता हूँ? लड़के के ऊपर तो अपने धन का नशा चढ़ा था। उसने कहा, मेरे पास बहुत रुपए हैं, पर तुम गरीब हो, मैंने तुम्हारी चीज खराब कर दी, उसका घाटा मुझे पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम इसका घाटा पूरा कर सकते हो? क्या तुम समझते हो कि रुपए से यह घाटा पूरा हो जाएगा? देखो, किसानों की मेहनत से कपास पैदा हुई, उसकी रुई से मेरी स्त्री ने सूत काता, मैंने उस सूत को रंगा, फिर उससे साड़ी बुनी। हमारी मेहनत तब कारगर होती जब कोई उस साड़ी को पहनता। तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, इतने लोगों की मेहनत बेकार गई, रुपए इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हैं? जुलाहे की आवाज में तनिक भी आवेश नहीं था।
वह तो उसे ऐसे समझा रहा था जैसे कोई बाप बेटे को समझाता है। लड़का पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आईं। वह जुलाहे के पैरों पर गिर गया। जुलाहे ने उसे उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, बेटा अगर मैं लालच करके 2 रुपए ले लेता तो तुम्हारी जिंदगी का वही हाल हुआ होता जो इस साड़ी का हुआ। वह किसी के काम न आती, अब तुम समझ गए, आगे ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। एक साड़ी खराब हुई दूसरी तैयार हो सकती है, लेकिन जिंदगी बिगड़ गई तो दूसरी कहां से लाओगे। लड़का और उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए और सिर नीचा करके अपने घर चले गए। यह जुलाहे थे दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर, जिनका लिखा कुरल आज 2000 वर्ष बाद भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है।